अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक संघ जिला इकाई के सदस्यों ने संघ के जिला अध्यक्ष वीर बहादुर सिंह के नेतृत्व में तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया तथा मांगे पूरी नहीं होने पर 30 नवंबर से कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संघ के जिला अध्यक्ष ने अपनी प्रमुख मांगों को बताते हुए कहा कि अगर सरकार हम लोगों की मांगों को पूरा नहीं करती है तो 30 नवंबर से कार्य बहिष्कार किया जाएगा। उन्होंने कहा, सरकार से 11 सूत्री मांगे हैं जो प्रदेश नेतृत्व के द्वारा निर्णय लिया गया है। उसमें त्रिचरणीय आंदोलन चल रहा है। प्रथम चरण का आंदोलन दिनांक 15 से 17 तक काली पट्टी बांधकर कार्य करते हुए हम लोगों ने विरोध जताया था। द्वितीय चरण का हमारा आज का एक दिवसीय आंदोलन है। ये आज के बाद हमारी मांग पूरी नहीं हो पर 30 तारीख से हम अनवरत कार्य बहिष्कार आंदोलन करेंगे। हमारी मांगे 11 सूत्री हैं जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी मांगे हैं, लेकिन प्रमुख मांग हमारी है 41 नौ के आधार पर जो नियमावली बनी हुई है, नायब तहसीलदार में प्रोन्नति है तो उसी आधार पर तत्काल ज्येष्ठता सूची जारी कर प्रोन्नति देना। जैसे नायब तहसीलदार पद पर प्रोन्नति के लिए 50% डायरेक्ट पीसीएस से आते हैं, 50% में 41% राजस्व निरीक्षक से होते हैं और 9% रजिस्ट्रार कानगो से होते हैं। रजिस्ट्रार कानगो संभल को पहले 3% प्रोन्नति मिलती थी। उनकी मांगों पर सरकार विचार करते हुए 2014 में पिछली सरकार में 9% उनका कोटा बढ़ाया गया। अब आज वो उस कोटे को समाप्त करके पूरा हड़पना चाहते हैं कि ये कोटा समाप्त कर दिया जाए। रजिस्ट्रार कानगो मूल रूप से लेखपाल हैं, आज भी उनसे वरिष्ठ लेखपाल हैं और हम लोगों के अधीनस्थ काम करते हैं, परंतु ये रजिस्ट्रार कानगो हैं और 2014 की नियमावली में पदों का संविलियन हो गया तो उस आधार पर वो कहते हैं कि रजिस्ट्रार हम सीनियर हो गए, जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि रजिस्ट्रार कानगो को 9% कोटा फिक्स किया गया, वो ऑलरेडी वो किनारे उनके लिए रहे। 41% राजस्व निरीक्षक के लिए है, उसमें जो भी डायरेक्ट आते हैं या प्रमोशन से आते हैं राजस्व निरीक्षक उनके लिए हुआ है और शासन ने ये व्यवस्था बनाया हुआ, परिषद ने व्यवस्था बनाया हुआ, लेकिन ये लगातार दबाव अनुचित दबाव बनाए हुए हैं शासन के ऊपर और शासन भी कुछ हमें भी आश्वस्त नहीं कर रहा है कि हमारा प्रमोशन 941 के आधार पर दिया जाएगा जो नहीं मांगे, जिसके लेकर के हमारे संपर्क में काफ़ी रोष है। नायब तहसीलदार के बहुत सारे पद रिक्त हैं, अधिकतर पद रिक्त हैं, जिससे सरकार के कामकाज में भी परेशानी हो रही है, उसके बाद भी शासन इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है और हमारे आंदोलन को नज़रअंदाज कर रहा है। दूसरी मांग हमारी है वेतनमान की। अभी वेतनमान में 2800 ग्रेड पे मिलता है, हमसे बहुत सारे हमारे समकक्ष पदों पर 4200 और 4600 ग्रेड वेतन दिया जाता है और हमें 2800 ग्रेड वेतन दिया जाता है। इसका कारण ये रहा है कि डायरेक्ट भर्ती हुई नहीं, 1983 के बाद से राजस्व निरीक्षक पद पर डायरेक्ट भर्ती नहीं हुई है। प्रमोशन से जो लोग आते हैं ऑलरेडी 4600 में रहते हैं, इस वजह से कोई था नहीं, हम लोग आए हैं तो हम लोगों को काफ़ी नुकसान होता है। तीसरी मांगे हैं, पूरे महीने में हम लोगों को स्टेशनरी भत्ता मात्र 6 रुपये मिलते हैं, जबकि हमको लगभग 3000 रुपये महीने स्टेशनरी भत्ता हमारा स्टेशनरी खर्च होता है। पेट्रोल के लिए साधन यात्रा भत्ता महीने में करीब 3 से 4 हज़ार रुपये हमारा खर्च होता है, जबकि महीने में मात्र 25 रुपये मिलते हैं हमको। ऐसे ही हमारी अनेक मांगे हैं, 11 मांगे कुल हैं, लेकिन जो मुख्य मांगे हमारी है यही है कि हमारे 41 नौ के आधार पर तत्काल ज्येष्ठता सूची जारी करके प्रोन्नति दी जाए, ग्रेड पे सुधारा जाए, यात्रा भत्ता और नियत यात्रा भत्ता और स्टेशनरी भत्ता वगैरह बढ़ाई जाए। हमारी रणनीति है कि यदि सरकार हमारी इस बात को नहीं सुनती है, हमारे आंदोलन पे विचार नहीं करती है, हमें हमारे मांग पर विचार नहीं करती है सहानुभूतिपूर्वक, तो हम 30 तारीख से अनवरत कार्य बहिष्कार आंदोलन करेंगे।